नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल, नेमावर हत्याकांड के लिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है। न्याय यात्रा राजधानी भोपाल पहुंची। यात्रा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा नेमावर हत्याकांड पर बोले। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि नेमावर की घटना के बाद सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे, आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई और जिस बच्ची के परिवार के साथ निर्मम हत्या की गई है उस परिवार की बच्ची को न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है, यह बड़े ही दुख की बात है। वहीं आदिवासी नेता सूर्य इग्नू का कहना है कि सभी आदिवासी भाई बहन एक हैं और भारती के साथ खड़े हुए हैं। वहीं आदिवासियों ने नारा दिया, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। नेवावर की घटना के बाद जो कदम उठाने चाहिए थे, जो आरोपियों को के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई और एक लड़की आज पद यात्रा कर रही है न्याय के लिए। ये बड़े दुख की बात है। ये मध्य प्रदेश को बदनाम करती है, मध्य प्रदेश को शर्मिंदा करती है। चल उस पर भी दयनीय हरी, शिवराज को पांव में छाले पड़े जख्म। एक तरफ सरकार आदिवासियों के सम्मान में कार्यक्रम करती है, दूसरी तरफ न्याय यात्रा को रोकती है। देखिए, ये 2.5 लाख आदिवासी इकट्ठा करेंगे, एक बच्ची जिसे धमकियां मिल रही हैं फोन पे, बीजेपी के लोग धमकी दे रहे हैं, उस 5 लोग उसके मारे जा चुके हैं, वो न्याय यात्रा पे निकलती है तो बुधनी विधानसभा से निकली तो शिवराज के लोगों ने कह दे कि यहाँ रुकने की जगह मत देना। वो तो थे हमारे लोग और आदिवासी के अंदर, उन्होंने अपने घर में रुकाया पूरी यात्रा में। अब आगे क्या, यहीं रुकेंगे कि आगे जाएंगे? आगे जाएंगे, रुकने का क्या काम। आज न्याय यात्रा के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच की मांग हो। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.